शुक्रवार को कानवन थाना अंतर्गत ग्राम फुलेड़ी में अति प्राचीन भगवान नरसिंह जी मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा को कुछ शरारती तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया था व उसे कुरूप बनाने का प्रयास किया गया था, जिसको लेकर हिंदू समाज पर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी को लेकर थाना कानवन में कानवन के हिंदू कार्यकर्ता थाना कानवन पहुंचे, जहां उक्त घटना का घोर विरोध किया और वहीं हिंदू नेता स्वप्निल सावंत ने हिंदू आस्था पर प्रतिघात बताया। साथ ही पुलिस प्रशासन से अतिशीघ्र उक्त अज्ञात शरारती तत्वों को पकड़ने की मांग की ज्ञापन देते हुए हिंदू कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया कि जो भी कोई हो उसे जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस प्रकार की घटना अगली बार ना हो। वहीं प्रतीक सावंत ने ज्ञापन का वाचन किया कि जिसमें बताया गया कि यदि प्रशासन शीघ्र कोई ठोस कार्यवाही नहीं करता है तो हिंदू समाज के द्वारा एक जन आंदोलन किया जाएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बदनावर से रोशन रिगनोदिया की रिपोर्ट। विगत दिवस समीपस्थ ग्राम फुलेड़ी में प्राचीन नरसिंह भगवान का मंदिर है, उसको किसी असामाजिक तत्व ने क्षतिग्रस्त किया है। यह हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का सुनियोजित षड्यंत्र है और हिंदू समाज कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू समाज सहिष्णु है, सहनशील है। इसका मतलब यह नहीं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचा दे और हम हिंदू समाज चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। इसलिए समस्त हिंदू बंधु कार्यकर्ताओं ने, सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने पुलिस के प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी है कि अतिशीघ्र समस्त वो जो असामाजिक तत्व है उनको गिरफ्तार किया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, आपने जन आंदोलन का भी कहा, इसमें क्या कहना है? बिल्कुल, हिंदू समाज की ठेस को अगर भावनाओं को ठेस पहुँचेगी तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि हिंदू समाज ने बहुत संघर्ष किया है और बहुत ही हिंदू समाज पर बार बार ये लोग जानबूझकर इनके मान बिंदुओं को ठेस पहुँचाते हैं। सर, आपका नाम? स्वप्निल सावंत। हमको ये सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात शरारती तत्व द्वारा जो फुलेड़ी गाँव में नरसिंह भगवान का मंदिर है, मूर्ति के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। हम लोग वहाँ पर गए थे और अज्ञात शरारती तत्वों के विरुद्ध जो है हमने 295 प्रकरण पंजीबद्ध किया है और हम इसमें ये घटना किसके द्वारा घटित की गई है इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, आज कानून में हिंदू समाज द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर शीघ्र इसमें अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक जन आंदोलन करेंगे, इस बारे में सर? नहीं, उसमें हम पत्रकारिता कर रहे हैं, आंदोलन करना उनका अधिकार है। सर, आपका नाम? दिनेश सिंह।